नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूषण, स्वागत करता हूं हमारे चैनल एविज बायोलॉजी में। आज हम देखेंगे इलोंगेशन के बारे में, रेप्लिकेशन का इलोंगेशन कैसा होता है। तो हमने पिछली वीडियो में देखा रेप्लिकेशन का इनिशिएशन, तो आपको इनिशिएशन कैसे होता है और उसमें कौन से इवेंट्स आते हैं वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं इलोंगेशन के बारे में। तो हम ओवरव्यू देखते हैं रेप्लिकेशन का, इनिशिएशन का। रिप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल, ओके, एग्जांपल बैक्टीरिया इन ई कोलाई में जो सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए में बायडायरेक्शनल रिप्लिकेशन होता है, इसीलिए उसमें जो थीटा मोड ऑफ रिप्लिकेशन भी उसको कहते हैं। ओके, तो इन प्रोकैरियोटिक और ई कोलाई बैक्टीरिया के रिप्लिकेशन में जो कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि डीएनए बी कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है कि जो अनवाइंडिंग है डीएनए का वो करने में, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए के लिए वो हेल्प करता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, रेप्लिकेशन फोर्क फॉर्म हुआ है, इसको क्या कहते हैं हम, रेप्लिकेशन फोर्क, क्योंकि वहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है डबल स्ट्रैंड डीएनए का वो क्या होती है, ब्रेक होता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए ए और डीएनए बी और डीएनए सी, ये जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स के हेल्प से वो क्या होता है, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए होता है। और उसमें जो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जो है, जो सिंगल स्टैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन है वो क्या करते हैं, जो डीएनए का अनवाइंड हुआ डीएनए होता है वो जो ड्यूअल स्टैंड रहती है वो सेपरेट स्टैंड रखने के लिए हेल्प करता है, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ओके, तो जो डीएनए बी और डीएनए सी, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, हेलिकेज के जैसे एक्ट करता है। डीएनए हेलिकेज इन यूकैरियोटिक सेल में क्या करता है, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए और जो डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड रहता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हेल्प करता है। तो इसमें ये देखिए, यहाँ पे प्राइमर से क्या हुआ है, डीएनए का सिंथेसिस होना स्टार्ट हुआ है। और जो प्राइमर है वो प्राइमर कैसे फॉर्म होता है, डीएनए जी से फॉर्म होता है। और जो प्राइमर कौन सा है, आरएनए प्राइमर है, कौन सा प्राइमर है, आरएनए प्राइमर, ये फॉर्म होता है। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, वो कैसा डीएनए सिंथेसिस करता है, वो डीएनए की जो डायरेक्शन रहती है वो कैसी रहती है, जो टेम्पलेट स्टैंड है उसकी डायरेक्शन रहती है 3' to 5'। ओके, और जो न्यूली सिंथेसाइज होता है डीएनए, जो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए रहता है उसकी डायरेक्शन रहती है 5' to 3' इन डायरेक्शन। ओके, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है उसकी एक स्पेसिफिक क्या है, उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन है सिंथेसिस ऑफ डीएनए की और पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए की, इसीलिए उसमें जो जो रीडिंग एक्टिविटी है और जो पॉलीमरेज एक्टिविटी है पॉलीमरेज थर्ड की वो कैसी है, 5' to 3'। ओके, इसमें जो डीएनए फॉर्म होता है, जो डीएनए फॉर्म होता है वो क्या है, वो लीडिंग स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअसली फॉर्म होता है और लैगिंग स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूअसली फॉर्म होता है। उसका रीजन ही हम इस वीडियो में देखेंगे कि उसमें लैगिंग स्ट्रैंड पे जो डीएनए फॉर्म होता है और जो ओके फ्रेगमेंट फॉर्म होती है वो कैसे होती है, और जो बायडायरेक्शनल रेप्लिकेशन है डीएनए का तो वो कैसे चलता है, एक्चुअली कैसे फॉर्म होता है डीएनए में वो हम देखेंगे। तो इसमें जो लैगिंग स्ट्रैंड पे और लीडिंग स्ट्रैंड पे जो पॉलीमरेज है उसकी एक्टिविटी कैसी होगी वो भी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो इलोंगेशन ऑफ रेप्लिकेशन से। तो ये हम थोड़ा रफ कर लेते हैं,
जो रिप्लिकेशन फोर्क फॉर्म हुआ है उसमें क्या होता है, हम रिप्लिकेशन फोर्क एग्जाम्पल लो, ये रेप्लिकेशन फोर्क है, इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ओके, यहाँ पे डीएनए बी और डीएनए सी है, और क्या है, डीएनए बी और डीएनए सी है, वो क्या है, हेलिक्स के साथ जैसा एक्ट करता है, ओके। तो इसमें ये जो स्ट्रैंड है वो क्या है, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, ये क्या है, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, और इसमें जो डीएनए सिंथेसाइज होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज डीएनए पॉलीमराइज थर्ड की सिंथेसिस, न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है वो ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होती है, और जो टेम्पलेट डीएनए की ये रहती है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम रहती है, ओके। तो यहाँ पे ये क्या है, ये रिंग स्ट्रैंड, यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन है वो इनसाइड द रेप्लिकेशन फोर्क रहता है, और यहाँ पे जो डायरेक्शन है रेप्लिकेशन की वो आउटसाइड रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो 3 प्राइम है यहाँ से जो प्राइमर एडिंग है स्टार्ट होती है, ओके। तो यहाँ पे जो अपोजिट स्ट्रैंड है वो कैसे फॉर्म होती है वो देखते हैं अभी। यहाँ पे देखिए लीडिंग स्ट्रैंड पे जो 3 प्राइम है वहां पे क्या होता है, प्राइमर बाइंड होता है, प्राइमर कितने बेस पेयर तक रहता है, लगभग 15 बेस पेयर तक प्राइमर रहता है, ओके। तो इसमें जो सॉरी जो प्राइमर रहता है वो लगभग 1000 बेस पेयर तक, सॉरी जो प्राइमर रहता है वो कितना रहता है, वो 15 बेस पेयर तक रहता है, और उससे आगे वो क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज वहां पे जाके बाइंड होता है, वहां पे जाके क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, अभी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड वो क्या करता है, इस डायरेक्शन में एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, और इस डायरेक्शन में सिंथेसिस ऑफ क्या होता है, डीएनए स्ट्रैंड, जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड है इस डायरेक्शन में सिंथेसिस होती है। मगर प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, प्रॉब्लम आता है इन अपोजिट स्ट्रैंड पे, जो लैगिंग स्ट्रैंड है वहां पे प्रॉब्लम आता है, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो कभी भी यहाँ से जो 5 प्राइम है वहां से एक्ट होना शुरू नहीं होता है, इसीलिए वो क्या करता है, यहाँ से एक्ट होता है, मीन्स क्या है उसकी डायरेक्शन क्या है, वो डायरेक्शन के अपोजिट कभी भी जाता नहीं है, इसीलिए जो प्रॉब्लम आता है इसीलिए प्रॉब्लम आता है क्या, कि लैगिंग स्टैंड पे जो अपोजिट स्टैंड है वहां पे डीएनए कैसे फॉर्म होता है। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, लूप फॉर्म होता है, लूप कब फॉर्म होता है, जब जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसका डीएनए रिप्लिकेट हुआ हुआ रहता है, और जो लैगिंग स्ट्रैंड है जो अपोजिट स्ट्रैंड है उसमें लगभग 1000 टू 2000 बेस पेयर लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड चेन, और जो टेम्पलेट रहती है लगभग 1000 टू 2000 न्यूक्लियोटाइड चेन, वहां से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए और सेपरेट हुई रहती है, वो सेपरेट होने के बाद वो क्या करती है, लूप फॉर्म करती है, और लूप कैसे फॉर्म करती है, ये क्या करती है, ऐसे लूप फॉर्म करती है, ओके।
ये हुआ उसका लूप फॉर्मेशन। और इसमें जो प्राइमर फॉर्म होता है मीन्स प्राइमर जो रहता है वो कैसे रहता है, ये देखिए अभी ये यहाँ पे प्राइमर फॉर्म हुआ, डिरेक्शन ऐसी ही रहेगी। ओके इसकी भी डिरेक्शन ऐसी रहेगी, ये क्या है फाइव प्राइमेट। ओके जो लैगिंग स्टैंड का फाइव प्राइमेट, और जो न्यूली सिंथेसाइज होती है ये क्या हुआ प्राइमर का, ये हुआ प्राइमर और ये हुआ उसका न्यूली सिंथेसाइज डीएनए थ्री प्राइमेट और फाइव प्राइमेट, फाइव प्राइमेट और थ्री प्राइमेट, ये क्या है हमने कन्वीनियंस के लिए सब ड्रॉप कर लिया। ओके और यहाँ पे क्या रहता है डीएनए पॉलीमरेज, ये क्या है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ओके तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को कहा यहाँ पे एक्ट करता है, तो जो जब डीएनए हेलिकेज जो है मींस डीएनए बी और डीएनए सी कॉम्प्लेक्स जो है जब टू स्टैंड सेपरेट करता है, दोनों स्टैंड को सेपरेट करता है, तब उस टाइम पे थोड़ा जो न्यूक्लियो मीन्स थोड़े ये देखिए न्यूक्लियोटाइड को जब सेपरेट करता है तो ये देखिए ये स्टैंड है डबल स्टैंड डीएनए और उसको उन्होंने उस कॉम्प्लेक्स ने डीएनए ए और बी ने थोड़ा सेपरेट किया। ओके तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे जो लैगिंग लीडिंग स्टैंड है वो यहाँ पे प्राइमर ऐड करके और जो सिंगल प्राइमर ऐड करके वो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होने के लिए तैयार रहती है और कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होती रहती है इस डायरेक्शन में। मगर यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे एक प्राइमर ऐड हो जाता है। ओके तो वो प्राइमर ऐड होने के बाद फिर से वो हेलिकेज क्या करता है इस डायरेक्शन में और जो डीएनए बी कॉम्प्लेक्स है उस डायरेक्शन में प्राइमोसोम जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है इस डायरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता जाता है और जो रिप्लिकेशन फोर्क है वो ज्यादा बड़ा करते जाता है और टू स्टैंड को ज्यादा सेपरेट करते जाता है। तो यहाँ पे देखिए उसकी डायरेक्शन ये तो कंटिन्यूअसली सिंथेसिस होगा, ये कंटिन्यूअसली सिंथेसिस होगा, मगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो प्राइमर ऐड हुआ है तो यहाँ पे रहेगा फिर से यहाँ पे नया प्राइमर ऐड होगा। ओके तो जब डीएनए का लूप फॉर्म होता है डीएनए का लूप फॉर्म होने के बाद ये देखिए यहाँ पे डीएनए का लूप फॉर्म होने के बाद वो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड यहाँ से यहाँ तक मीन्स अभी देखिए ये प्राइमर है प्राइमर से यहाँ तक जो डिऑक्सीराइबोन न्यूक्लियोटाइड है वो क्या करता रहेगा ये डीएनए पॉलीमरेज ऐड करेगा कि राइबोन जो प्राइमर की जो ब्लैंक है जहाँ पे प्राइमर ऐड है और उससे आगे जो डीएनए सिंथेसिस होता है वो डीएनए पॉलीमरेज उसमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड क्या कर रहा है ऐड करते जाता है और ये डीएनए सिंथेसिस होता है। ओके मगर उसके बीच में ये भी देखिए यहाँ पे जो गैप रहता है वो गैप दूसरे वाला प्राइमर क्या करता है भर देता है, मगर जो लैगिंग स्टैंड है लैगिंग स्टैंड जो है वो जो लैगिंग स्टैंड जो है वो क्या रहती है डिसकंटिन्यूअस रहती है, वो क्या रहती है डिसकंटिन्यूअस और उसमें ओकेजा की फ्रैगमेंट फॉर्म होती है, जो डीएनए के जो फ्रैगमेंट फॉर्म होती है लैगिंग स्टैंड पे उसको ओकेजा की फ्रैगमेंट बोलते हैं, क्योंकि उसको ओकेजा की साइंटिस्ट ने ओकेजा की नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उसको डिस्कवर किया तो इसलिए उनको ओकेजा की फ्रैगमेंट कहते हैं। और वो जो डिसकंटिन्यूस रहती है उसका रीजन ही ऐसा है क्योंकि वहां पे जो प्राइमर का एडिशन है वो बहुत ज्यादा बार होता है, प्राइमर का एडिशन क्या होता है बहुत ज्यादा बार होता है, इसीलिए उसमें क्या होता है डिसकंटिन्यूसली और फ्रैगमेंट उसमें फॉर्म होते हैं, इसीलिए ये क्या है जो
लीडिंग स्ट्रैंड है वो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता अब डीएनए रिप्लिकेशन के लिए। मगर प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, तो प्रॉब्लम आता है इन लैगिंग स्ट्रैंड पे। लैगिंग टेम्पलेट में जो जब तक ये लूप फॉर्मेशन के लिए न्यूक्लियोटाइड नहीं होते, लगभग 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड इन बैक्टीरिया लगते हैं, और इन यूकैरियोट में लगभग उतने ही लगते हैं। ओके, और जो रेप्लिकेशन में जो डिसकंटिन्यूअस फ्रैगमेंट है और जो ओकेजाकी फ्रैगमेंट है, ओकेजाकी फ्रैगमेंट का जो है, ओकेजाकी फ्रैगमेंट जो है वो इन बैक्टीरिया में उसकी लेंथ जो रहती है वो 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड तक रहती है, और इन यूकैरियोट में कितनी रहती है, 100 to 200 बेस पेयर तक और न्यूक्लियोटाइड तक रहती है। ये डिफरेंस है कि फ्रेगमेंट की जो लेंथ है वो बैक्टीरिया में ज्यादा न्यूक्लियोटाइड की रहती है और इन यूकैरियोट में कम न्यूक्लियोटाइड की रहती है। ये हुआ मेन डिफरेंस। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्टार्ट होता है और एंड तक जाता है। मगर जो लैगिंग स्ट्रैंड है, ये देखिए अभी यहाँ पे अभी दो स्ट्रैंड है, यहाँ पे जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है ये कंटिन्यूअस सिंथेसिस हुई स्टैंड है। ओके, और ये डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हुई स्टैंड है, ये डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो यहां पे देखिए इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसमें क्या है, अभी ये डिसकंटिन्यूअस है इसलिए उसको अभी रिमूव करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको कंटिन्यूअस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दो एंजाइम लगते हैं। कौन से, फर्स्ट वन इज अ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और डीएनए लाइगेज। जो डीएनए पॉलीमरेज है एक्ट एज एक्सो न्यूक्लियस, एक्सो न्यूक्लियस एक्ट करता है, और वहां पे जो आरएनए है और यहाँ पे आरएनएज भी लगता है, आरएनएज वो क्या करता है, आरएनए प्राइमर को डिग्रेड करता है। क्या करता है, आरएनए प्राइमर को डिग्रेड करता है, और एडिशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड, एडिशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड को और जो डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड को एडिशन करता है, और जब एडिशन होता है तो यहाँ पे ये डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होता है। एडिशन होने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक निक रह जाती है, और उस निक को फिलअप करने के लिए डीएनए लाइगेज एक्ट करता है। डीएनए का निक और डीएनए का गैप मींस क्या है, जब बेस पेयर एब्सेंट रहता है तब डीएनए का गैप रहता है, और एक न्यूक्लियोटाइड एब्सेंट रहता है तब डीएनए का जो निक और गैप पड़ता है उसको डीएनए का गैप कहते हैं। मगर न्यूक्लियोटाइड एडिशन हो चुकी है मगर वहां पे एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एब्सेंट है, जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एब्सेंट है, तो यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑप्शन है इसलिए उसको क्या कहते हैं, डीएनए का निक कहते हैं। क्या कहते हैं, निक। ओके, तो एडिशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कैसे होती है, और पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कैसे होती है, ये देखिए ये हमने एक स्टैंड ली। ओके, ए टी जी सी जी ए टी, तो यहाँ पे क्या
क्या आता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री, टी उसके बाद ए उसके बाद सी। तो यहाँ पे देखिए ये फाइव प्राइम एंड है, तो यहाँ पे थ्री प्राइम एंड पे OH ग्रुप थ्री रहेगा, और यहाँ पे देखिए क्या रहेगा, अभी यहाँ पे G है तो यहाँ पे C रहेगा, तो इसका ट्राइफॉस्फेट मीन्स P P P रहेगा। ओके तो ये क्या करता है, OH ग्रुप यहाँ पे अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और यहाँ से दो फॉस्फेट रिमूव कर देता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, पायरोफॉस्फेट कहते हैं, और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर देता है, और इसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ऐसे ही डीएनए का पॉलीमराइजेशन होता है। ओके तो हम ये केमिकली स्ट्रक्चर देखेंगे, तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर है हमने देखा है, वो आपको मेरे पहले वाले वीडियो में मिल जाएगा। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, उसका फंक्शन क्या है न्यूक्लियोटाइड का। ओके तो ये देखिए, ये राइबोज शुगर है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस रहता है एच। ओके एच डीऑक्सी राइबोज शुगर है, इसलिए हमने यहाँ पे एच लिया, तो यहाँ पे थ्री कार्बन, थ्री नंबर कार्बन आए, और यहाँ पे कार्बन फॉस्फेट फॉस्फेट और फॉस्फेट, ये हुआ फर्स्ट वाला शुगर, ये क्या है फाइव प्राइम एंड का, जहाँ पे फॉस्फेट थ्री रहता है। ओके ये फॉस्फेट थ्री है ये वाला, तो ये हुआ फाइव प्राइम एंड, ये देखिए। उसके बाद ये जो शुगर है उसका ये थ्री प्राइम एंड है, ये कौन सा थ्री प्राइम एंड है, और दूसरी वाली शुगर है पेंटोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एच एच, यहाँ पे क्या रहेगा थर्ड कार्बन का OH ग्रुप फिर रहेगा, और यहाँ पे एच कार्बन, यहाँ पे थ्री फॉस्फेट ग्रुप रहेगा। ओके तो क्या होता है यहाँ पे जनरली, ये जो थ्री प्राइम का OH ग्रुप है वो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, क्या करता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, और यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक कर देता है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो बॉन्ड है वो फॉर्म कर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके तो ये जो है यहाँ से वो पाइरोफॉस्फेट दो फॉस्फेट रिमूव कर देता है, यहाँ से पाइरोफॉस्फेट रिमूव कर देता है। ओके ये हुआ डीएनए का पॉलीमराइजेशन, और डीएनए को जो भी सिंथेसाइज होता है और रेप्लिकेशन होता है तब भी ऐसी ही और ही यही रिएक्शन होती है उसमें, और उस रिएक्शन में एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऐसे ही होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का एडिशन ऐसे ही होता है। ओके तो जब ये जो लैगिंग स्टैंड पे जो प्राइमर्स और जो ओकेजनली फ्रेगमेंट फॉर्म होती है, तो उसमें क्या होता है, और उसमें क्या होता है, वहां पे जो न्यूक्लियोटाइड है और प्राइमर है आरएनए प्राइमर, वो क्या है वो रिमूव कर देता है, कौन आरएनए डिग्रेड कर देता है उसको प्राइमर को, और यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे क्या है निक है, और यहाँ पे OH ग्रुप फ्री है, वहां पे फॉस्फेट। ओके तो यहाँ पे एटीपी और एनएडीपी क्या करता है, एनएडी यहाँ पे एएमपी डोनेट करता है किसको, यहाँ पे रिपेयर करने के लिए जो डीएनए का फ्रेगमेंट है वो वहाँ पे वो कह रहे थे फ्रेगमेंट हुआ है, तो वो रिपेयर करने के लिए यहाँ पे एटीपी और एनएडीपी
क्या करता है, वो वहां पे डोनेट करता है एएमपी को, एएमपी को। ओके, यहाँ पे एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड को वो डोनेट करता है। ओके, और एएमपी क्या होता है, रिलीज होता है बाद में। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या होता है, एटीपी और एनएडीपी, क्यों एनएडीपी और एटीपी ही क्यों लेते हैं, तो इन यूकैरियोट्स और आर्के बैक्टीरिया में एटीपी एक्ट एज एनर्जी सोर्स, और इन यू बैक्टीरिया में एनएडीपी और एनएडी एक्ट एज एनर्जी सोर्स। विच एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स मीन्स एडीपी जो एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जो है वो यूज कर किया जाता है, और वो यूज करने के लिए मीन्स उसको चाहिए होता है, इसलिए वो डोनेट करने के लिए एटीपी और एनएडीपी यूज होते हैं। इन एटीपी किसमें, तो एटीपी यूकैरियोट्स और आर्के बैक्टीरिया। और आर्के बैक्टीरिया आर्किया, और एनएडीपी किसके लिए है, यू बैक्टीरिया के लिए। उसके बाद यहाँ पे एडीपी आ जाता है, और एडीपी से एक फॉस्फेट, यहाँ पे ओएच, यहाँ पे फॉस्फेट, यहाँ पे भी फॉस्फेट एडिशन होता है, और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होता है, और यहाँ से एएमपी रिलीज होता है। तो एएमपी रिलीज होने के बाद ये जो है यहाँ पे गैप फिलअप हो जाता है, 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम। ओके, और ये हुआ डीएनए का फुल स्टेप। वैसे ही इन जो ओकेजन फ्रेगमेंट है और डिसकंटिन्यूअस डीएनए फॉर्म हुआ है, इसी में ये रिएक्शन होती है और डीएनए एक्ट होता है। मगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडिशन तो हुआ है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो फॉर्म हुआ है, मगर यहाँ पे निक रह जाती है, और निक डीएनए लाइगेज से, डीएनए लाइगेज से ज्वाइन होती है, डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज से वो निक बन जाती है। तो इस प्रकार इसमें ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए या इलोंगेशन के लिए, जो मेनली इन लैगिंग स्ट्रैंड पे और जो डीएनए का जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड फॉर्म होता है उसमें आती है, वो कॉम्प्लेक्सिटी ये दूर कर देता है। ओके, तो उसमें लूप फॉर्म होता है, स्पेशली क्या फॉर्म होता है, लूप फॉर्म होता है, और इजी तरीके से वो क्या हो जाता है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। ये रेप्लिकेशन विद इन कुछ मिनट्स और सेकंड में होता है, क्योंकि हम एग्जांपल लेते हैं इकोलाई का बैक्टीरिया जो है वो उसका जनरेशन टाइम है 20 मिनट्स, और 20 मिनट्स में उसका जो जनरेशन टाइम है उसमें रेप्लिकेशन ऑफ पूरा डीएनए का जीनोम का रेप्लिकेशन होना चाहिए। ओके, तो उसके बाद में ही जो डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद में ही उसकी सेल डिवाइड हो सकती है, क्योंकि जब सेल डिवीजन होता है, कौन सी भी सेल हो उसको डिवीजन में जब कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियर का डिवीजन होता है, और जो जीनोम का डिवीजन होता है और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, उसके बाद ही वो सेल डिवाइड होती है। ओके, तो जो इकोलाई का नॉर्मली जनरेशन टाइम है 20 मिनट्स, और उसके रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए के लिए लगता है 40 मिनट्स टाइम। तो वो कैसे होता है, उसका रीजन क्या है, आप उसका आंसर ढूंढ के आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और कमेंट में बताओ, और उसके बाद हम उसका आंसर अगली वीडियो में जान लेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करो, शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए। ओके, थैंक यू।